हेलो गाइज कैसे हैं आप लोग आप सभी लोगों को मेरा फैया नमस्कार और मैं पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म टेस्टबुक यूपी पर सो so, फटाफट फ़ड़ जल्दी से आइए को ज्वाइन करिए मुझे बताइए इस द ऑडियो वीडियो क्लियर और नॉट कि आप लोगों का ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है जल्दी बताइए इज ऑडियो वीडियो क्लियर और नॉट गुड मॉर्निंग बच्चों गुड मॉर्निंग चलो आगे बढ़ेंगे और याद रखिएगा जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक जाने की कोशिश करो राइट आप वहाँ पहुँचेंगे तो आगे का रास्ता अपने आप दिख जाएगा कभी कभार हम क्या हो जाते हैं पजल्ड हो जाते हैं कि यार ये एग्जाम कैसे निकलेगा हम सीधे तैयारी शुरू करने से पहले सीधे फाइनल रिजल्ट देखने लग जाते हैं कि फाइनल रिजल्ट कहाँ पर आएगा या कैसे आएगा उसके बीच के प्रोसेस पर ध्यान देते ही नहीं है ना हम उसको देखते हैं कि यार कैसे क्या होगा तो कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि एक एक स्टेप बढ़ना चाहिए पहले आप जो तैयारी का फेज है छः महीना पाँच महीना चार महीना उसको थोड़ा 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 छोटे छोटे टारगेट बनाओ उन टारगेट को अचीव करो तो ऐसे अजीब करते करते ना आप ऊपर पहुंच जाओगे जैसे एक सीढ़ी है अगर सीढ़ी पे मान लो आप आप एक सीढ़ी पे कदम रखोगे तो अगली सीढ़ी पे चढ़ पाओगे ना अब बोलो नहीं कि मैं एक से ही स्टार्ट करके सीधे जंप लगाऊंगा तो उसके लिए दो चीज़ें हो सकती हैं या तो वो सीढ़ी इतनी सी होनी चाहिए या फिर आप सुपरमैन होने चाहिए बस वो दोनों ही नहीं हो सकता तो इंसान के लिए क्या है कि आप एक स्टेप एक स्टेप आगे बढ़ते जाएँ और इसी तरीके से आप मंजिल तक पहुँच पाएंगे वरना क्या हो जाएगा डिफ्रेंस हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे ठीक है क्लियर चलिए आगे बढ़ेंगे फिर इसी बात पर मैं बढ़िया एकदम से गुड नाइट सर दिनेश कुमार बोल रहे गुड नाइट गुड नाइट गांववा भाई दिनेश गुड मॉर्निंग काजल गुड मॉर्निंग दिनेश गुड गुड मॉर्निंग मीनल गुड मॉर्निंग दिनेश बोल रहे गुड नाइट गुड मॉर्निंग भाई दिनेश चलो आगे बढ़ते और इसी के साथ देखेंगे इधर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो है आपका ए पी एस टेस्टबुक के नाम से

या फिर कमलेश मेहता इनमें से कौन बन गए हैं बताइए जल्दी से चलिए हाँ दिनेश सोने चले गए हैं दिनेश बताओ बच्चों जल्दी से कौन बन गए हैं तो ये अपॉइंटमेंट से सवाल है आपका अपॉइंटमेंट वगैरह जो होते हैं और नियुक्तियां वगैरह होती हैं ये उन नियुक्तियों से सवाल है और सवाल यहाँ नियुक्तियों से देखो बनता है ठीक है सवाल काफ़ी बनते हैं नियुक्तियों से इसको देख लीजिएगा एक बार तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा चलो देखते हैं आंसर आंसर हो हो जाएगा हो जाएगा शरद कमल इज द राइट आंसर ठीक है तो आंसर हो जाएगा कमल इज द करेक्ट आंसर तो शरद कमल क्या बन गए यहां से द इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द एथलीट कमीशन इन द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन हो जाएंगे शरद कमल ठीक आगे बढ़ेंगे अभी भारतीय विज्ञापन परिषद के जो भारतीय विज्ञापन होते हैं मतलब जो एडवर्टीजमेंट होते हैं इनकी भी कमेटी होती है इनके भी मतलब मानक किए जाते हैं तो मानक परिषद का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है बताएं। तो हो जाएंगे वो एन एस राजन वेरी गुड किसी आंसर नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं है एन एस राजन हो जाएंगे इसका जवाब एन एस राजन हो जाएगा और देखो यार एडवर्टीजमेंट अगर मान लो जो कंट्रोल ना हो ना इन एडवर्टीजमेंट वगैरह पर और अगर मूवीज़ वगैरह पर तो दुनिया कुछ भी बनाने लगे इंस्टाग्राम पे अगर मान लो कंट्रोल ना हो तो पता नहीं क्या क्या हो जाए इंस्टाग्राम पर मैं बता नहीं सकता तुमको और अगर यूट्यूब पर कंट्रोल ना हो ठीक है या फिर फेसबुक पर कंट्रोल ना हो तो लोग पता नहीं क्या क्या कर डालें तुम सो इमेजन भी नहीं कर सकते हो तो विज्ञापन में भी कुछ यही कर देंगे लोग राइट तो इसी वजह से इन पर कंट्रोल रखा गया है और इसीलिए इनका एक अध्यक्ष बनाया जाता है कमेडी बनाई जाती है उसके बाद ही फिर ये पास होते हैं राइट चलो आगे बढ़ेंगे ठीक है इसके अलावा देखेंगे क्वेश्चन और बनता है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है बताइए

लेवल चौबे का जवाब हो जाएगा राइट ठीक आगे बढ़ेंगे फिर आगे बढ़ते हैं कि नई वैश्विक शांति राजदूत नई वैश्विक शांति राजदूत या फिर एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है नई वैश्विक शांति राजदूत जो चुना गया वो किसको चुना गया है वो जाएंगे बबीता सिंह जी राइट बबिता सिंह जी हो जाएंगे इसका जवाब बबिता सिंह तो ये हो गया कुछ क्वेश्चन ठीक है आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि किस शहर में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शुरू किया गया है इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट हैज बीन स्टार्टेड इन द विच प्लेस ईटानगर आयजोल पटना रायपुर ईटानगर आयजोल पटना या फिर रायपुर में से किस जगह पर शुरू किया गया है बताओ बच्चों जल्दी से चलो ब... बी आंसर चलो जल्दी जल्दी बताओ फटाफट क्या कर रहे हो ईटानगर चलो बढ़िया अच्छे से अच्छा जवाब आ रहा है ईटानगर नहीं हो गया देखेगा और ये हो जाएगा आइजोल इसका जवाब इस तो हो जाएगा आइजोल इज द राइट आंसर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइजोल 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 होगा तो में किया गया स्थापित किया गया इसको ये बात याद रखना ठीक है बात और वहां के जो आ, क्या बोलते हमारे जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं अजय भट्ट पर्यटन मंत्री हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे अजय भट्ट हो जाएंगे पर्यटन मंत्री हो जाएंगे अजय भट्ट पहला पॉइंट लिख लीजिए और आइजोल किस जगह पे पड़ेगा आइजोल आइजोल किस स्टेट का स्टेट में पड़ेगा आइजोल बताइए जल्दी से आइजोल किस स्टेट में पड़ेगा पहले तो ये बता दीजिए हम लोग आइजोल किस स्टेट में पड़ेगा पहले बात बता आपको आइजोल के जो चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे बहुत जाएंगे आपके कौन से बेटा तो आपका चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं मिजोरम में आइजोल मिजोरम में वेरी गुड बहुत बढ़िया गुड मॉर्निंग विशाल मौर्य तो जाएगा मिजोरम हो जाएगा बहुत अच्छे ये तो हो गया राइट इसके अलावा देखो कुछ क्वेश्चन हमारे और बनते हैं यहां से जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की अगर बात करेंगे तो इसकी पांचवी सभा आयोजित की गई है पांचवी सभा आयोजित की गई पांचवी सभा किस जगह पर आयोजित की गई वो की गई है नई दिल्ली में की गई है इसको भी याद रखेंगे नई दिल्ली ठीक है थर्ड की बात करेंगे यहां पर तो किस शहर में सतत पर्वत सतत विकास पर्वतीय विकास सम्मेलन स्टार्ट हुआ जरा बताइए सतत पर्वतीय विकास सम्मेलन किस जगह पे किया किया गया है मतलब सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट राइट सस्टेनेबल माउंट डेवलपमेंट किस जगह पे स्टार्ट किया गया है सस्टेनेबल माउंट डेवलपमेंट तो माउंटेन एरिया का डेवलपमेंट हमें ऐसे करना है कि वो सस्टेन sustain हो सस्टेनेबल हो तो वो जाएगा कौन सा बेटा लेह और लद्दाख एरिया में किया गया राइट तो लेह और लद्दाख एरिया में ऐसा किया जा रहा है हमारी केंद्र सरकार के द्वारा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च किया गया है ठीक है बात आगे बढ़ेंगे चलो क्लियर बढ़िया नहीं देहरादून नहीं होगा बेटा लेह लद्दाख लेह एंड लद्दाख लेह लद्दाख हो जाएगा ठीक वेरी गुड अब बढ़ते आगे सवाल की तरफ कि हाल ही में किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्था पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है वो स्टेट है लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट ड्रोन मेडिएटेड लाइव स्टॉक वैक्सीनेशन क्या बात है सर्विस रिसेंटली असम उड़ीसा अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड तो ड्रोन के थ्रू तो लगाएंगे इंजेक्शन क्या बात है ड्रोन मेडिकेटेड लाइव स्टॉक वैक्सीनेशन तो कौन से स्टेट हो जाएगा यहाँ पर किस स्टेट ने किया है असम उड़ीसा अरुणाचल द उत्तराखंड तो ऐसा करने वाली जो स्टेट हो जाएगी वो हो जाएगी जरा बताइए चलिए अब क्या करेंगे ड्रोन के जरिए पशुओं को टीका लगाएंगे मतलब ड्रोन जाएगा और पशुओं को टीका लगा के चला आएगा मतलब डॉक्टरों की ज़रूरत ही नहीं है और दुनिया में ऐसा करने वाले पहला अनूठा कार्य करने वाले पहले हो गए हैं और इनका नाम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश क्या बात है वेरी गुड ये हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे ठीक है अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे कितना सही है ना मतलब बहुत अच्छा आइडिया निकाला यार इन्हें ड्रोन जानवर बांध बाहर बांध रहते हैं जानवर अब ड्रोन जाएगा आराम से जानवर बाहर, बाहर बांध दो और ठीक है लगा चला आएगा बढ़िया कितनी अच्छी बात है राइट लेकिन अगर कहीं जानवर जानवर भटक गया तो <laughs> चलो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं और अगर बात ये एक और है दुआरे दुआरे राशन दुआरे राशन दुआरे राशन, दुआरे राशन योजना जो है किस स्टेट ने चलाई है अब आप पूछोगे तो द्वारे क्या होता है सर द्वारे मतलब होता है द्वार द्वारे मतलब हो जाएगा द्वार द्वारे मतलब हो जाएगा द्वार द्वारे द्वार मतलब गेट के बाहर राइट गेट तक वो कहते हैं गाना था अंगना में बाबा द्वारे पे माँ आगे तो सही होगा आप लोगों ने अंगना ने अंगना में बाबा द्वारे पे माँ द्वारे मतलब हो जाता है बाहर तो ये द्वारे जो योजना राशन योजना जो है वो शुरू की गई किसने बेटा पश्चिम बंगाल ने कि भाई गेट तक क्या पहुंचाएंगे राशन योजना पश्चिम बंगाल हो जाएगा सर जवाब जवाब पश्चिम बंगाल ठीक है बात आगे बढ़ेंगे चलिए हाँ हाँ हंसने की जरूरत नहीं है ड्रोन प्रबंधन का काम करेगा एकदम एकदम करेगा वेरी गुड चलो अब देखते हैं यहाँ से बात बेटा कि इस रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है बाल विवाह के मामले में जो बाल विवाह होते हैं चाइल्ड मैरिज होती हैं इस चाइल्ड मैरिज के अकॉर्डिंग सबसे कंडीशन अगर किसी की ख़राब है बाल विवाह में तो वो स्टेट हो जाएगा झारखंड झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या हो रहे हैं बाल विवाह हो रहे हैं और ये हो जाएगा झारखंड हो जाएगा राइट झारखंड एक ट्राइबल एरिया है ट्राइब्स यहाँ पे जाना है जनजातियां जाना है इस वजह से यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा ठीक है बात चलिए आगे बढ़ेंगे हाँ मुखिर मुश्किल हो जाता है चलिए हाल ही में किस राज्य में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में अभी हाल ही में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस किया गया बच्चों तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो चलाया गया है वो किस जगह पे चलाया गया कौन कौन जगह पे चलाया गया है वो जाएगा गुजरात तो इसका जवाब हो जाएगा बेटा यहाँ पर गुजरात हो जाएगा गुजरात तो ये गुजरात में चलाया गया नोट इसको नोट कर लेंगे तो दिस आंसर इज द गुजरात ठीक है बच्चों चलो बेटा आगे बढ़ेंगे अब यहाँ से अगला सवाल देखो आता है नोट करेंगे हाँ गुजरात ही होगा गुजरात ठीक है चलो आगे आगे आ जाओ जल्दी से हाँ जी गुजरात इज द राइट आंसर ठीक आगे बढ़ते हैं प्राथा कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है तो विच वर्ड हैज चूजन बाई द कैमरेज डिक्शनरी एज द वर्ड ऑफ द ईयर दो हज़ार बाईस तो वर्ड ऑफ द ईयर की अगर बात करते हैं तो इन्होंने जो होमर बर्ड है ये इस होमर बर्ड को इन्होंने आपका वर्ड ऑफ द ईयर चुना है तो हर बार क्या करते हैं ये लोग आ, जैसे ऑक्वर्ड डिक्शनरी हो गई या आपका कैम्ब्रिज वगैरह हो गए ये हर साल किसी एक नए वर्ड को चुनते हैं और उसको वर्ड ऑफ द ईयर बोलते हैं वर्ड ऑफ द ईयर उसको क्या किया जाता है बोला जाता है और यहाँ पे हो जाएगा कौन सा बेटा होमर ठीक है आगे बढ़ेंगे अब यहाँ से बात करते हैं चलो तो नोट करेंगे यहाँ पर ठीक है बेटा चलो चलिए आगे बढ़ते एक स्टार्ट सम्मेलन था इसका नाम था बिवा टेक बीवा टेक, टेक ये तो होमर हो गया ठीक है एक हो जाएगा बीवा टेक जो है आपका है बीवा टेक की बात करेंगे तो बीवा टेक आपका सम्मेलन है टेक दो हजार बीस बीवा टेक जो 2020 है दो हजार बीस जो है किस प्रदेश के ज्यादा शुरू किया गया विवाह टेक ठीक है बोलते हैं उसको जरा बताइए चलिए और ये आपके यूरोप की लार्जेस्ट क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस है स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस तो यूरोप की जो लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस है यूरोप की लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस यूरोप की लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस जो है ठीक और कहां पर हो रही है इंडिया में हो रही है किस जगह पर इंडिया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं क्लियर नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को तो अकेले दिखता नहीं क्या किसको किसको क्लियर नहीं दिख रहा है जरा बताइए एक बार क्लियर किसको किसको नहीं दिख रहा है जरा बताओ एक बार बेटा कुछ बच्चों का है ना क्लियर नहीं दिख रहा है चलिए सब क्लियर है मैं भी दिख रहा हूँ अच्छी बात है विजिबिलिटी सही है विजिबिलिटी सही ना है सर विजिबिलिटी सही नहीं विजिबिलिटी कैसी है आप तुम 140 पिक्सल देखोगे हम कैसे बताएं बताओ थोड़ा बढ़ा के देखो क्या बोलते हैं क्वालिटी ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। फिर देखो से से क्या होता है? चलो, अब से कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो हो गया हमारा। आगे बढ़ेंगे कि स्विट्जरलैंड ने किस देश को हराकर अपना पहला बिजली जीन किंग कप 2022 जीता है? विच कंट्री विन इत्स, विन इत्स फर्स्ट विली जीन किंग कप 2022 जापान अमेरिका ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया बताइए तो जापान अमेरिका ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया चलो दो सौ चालीस में देख रहे हैं चचा पहली बात तो तुम्हारी चचा नहीं है दूसरी बात तुम्हें से बात किया करो त्रिशांग त्रिपाठी ठीक है हमेशा क्या बोलते मजाक का मोड नहीं होना चाहिए आगे बढ़ते हैं तो जहां से आपको कि बिली जीन किंग कप दो हजार बाईस जापान अमेरिका ब्राजील अंडा ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका ब्राजील अंदा ऑस्ट्रेलिया में से हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा कौन सा बेटा ऑस्ट्रेलिया राइट तो इधर तो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया का जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा ठीक है चलो अब यहाँ तो कुछ देखो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं एक बार फटाफट ठीक है जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कुछ स्पोर्ट्स में देख लेते हैं एक बार कुछ सवाल जैसे कि पूछा जाए चीन को हराकर किस देश ने महिला बास्केटबॉल विश्व कप जीता था तो चीन को हराया था और चीन को हराने के बाद महिला जो महिलाओं का जो बास्केटबॉल विश्व कप हुआ था वो जीता था तो महिला बास्केटबॉल विश्व कप किसने जीता और ये जीतने वाले कौन हो जाएगा ये अमेरिका हो जाएगा राइट अमेरिका ने जीता अभी हाल ही में कौन सा महिलाओं ने का जीता ठीक है बात आगे बढ़ेंगे चलो इसके अलावा देखेंगे कि सुल्तान सुल्तान अजलान शाह कप शाह कप, कप 2022 में नवंबर में होना था और किस जगह पर डिसाइडेड है नवंबर में किस जगह परिसाइडेड है तो जाएगा बेटा मलेशिया इसको मलेशिया में होना था मलेशिया हो जाएगा ठीक है मलेशिया इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है से देखते हैं एक बार कि दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप हॉकी जीता है दक्षिण कोरिया ने किसको हरा कर तो दक्षिण कोरिया ने हराया किसको दक्षिण कोरिया ने हराया है किसको जो जीता आपका एशिया कप हॉकी तो मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी जीता है एशिया कप का जीता, जीता है हॉकी जीता ठीक है बात चलिए आगे बढ़ेंगे वेरी गुड कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ से और देख लीजिए एक बार चलिए फिर आगे आगे आगे, 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 आगे पूछा जा, जा सकता है आप लोगों से सुल्तान जौहर कप सुल्तान जौहर कप तो हो गया सुल्तान अजलान शाह कब है और सुल्तान जौहर कप तो सुल्तान अजलान शाह कब तो हो रहा है कहाँ पर बैठा आपका ये और आपका किस जगह पर मलेशिया में हो रहा है और सुल्तान जौहर कब कहाँ किया जाएगा सुल्तान जौहर कप किस जगह पे आयोजित किया जाएगा सुल्तान जौहर कप तो अगर सुल्तान जौहर कप की बात करेंगे बेटा तो ये भी कहाँ हो जाएगा ये मलेशिया हो जाएगा ये भी मलेशिया हो जाएगा राइट सुल्तान जौहर कप भी गांव हो जाएगा मलेशिया हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते इसी के साथ फिर यहां से क्वेश्चन आता है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत की है वे स्टेट गवर्नमेंट है रिसेंटली लॉन्च द बाजरा मिशन हरियाणा असम राजस्थान गुजरात हरियाणा क्या बोलते हरियाणा या फिर मिस असम राजस्थान गुजरात चलो बहुत जल्दी से फटाफट ठीक है हरियाणा असम राजस्थान गुजरात तो बाजरा मिशन रिसेंटली जैसे लॉन्च किया है वो स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी कौन सी उस स्टेट के ना, नाम हो जाएगा असम तो असम ने किया है बाजरा मिशन लॉन्च किया है बाजरा यहाँ पे बाजिया की रोटी काफी चलती है इस जगह पर बाजिया की रोटी चलती है काफ़ी चलती है इधर महाराष्ट्र के साइड में इसको इधर साइड वो बोलते हैं बांकुरी करके बोलते हैं बांकुरी या बांकुरी करके ऐसे कुछ नाम है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट यहाँ पे उसको बांकुरी बोलते हैं राइट तो और को है। 2023 को बाजरा वर्ष भी घोषित किया गया है वेरी गुड तिरशांग त्रिपाठी टू थाउजेंड को बाजरा वर्ष भी किया घोषित किया गया है बहुत ही बढ़िया तो बाजरा किस में आता है बेटा मोटे अनाजों में आता है बाजरा जनता मोटे अनाजों में आता है तो मोटे अनाजों को देखो प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं मोटे अनाज जो है सेहत के लिए अच्छे हैं रेदर देन गेहूँ या और कुछ ठीक है एक टाइम पर हमारे देश में भूखा की कंडीशन थी मोटे अनाजों से पूर्ति नहीं होती गेहूँ को ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उसका बढ़ाया गया और गेहूँ जब बढ़ा उसके बाद फिर लोग गेहूँ ही खाने लगे गेहूँ इतना खराब नहीं होता बट हाँ जो अगर देखा जाए तो हेल्दी सबसे ज्यादा क्या को मोटे अनाज क्या होते हैं हेल्दी होते हैं ठीक है फिर आगे आता है कि किस केंद्रीय मंत्री ने राम किसान मिशन का जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है तो जागृति कार्यक्रम संबंध रखता है किससे रामकृष्ण मिशन से संबंधित है इसको इसको लॉन्च लॉन्च किसने किसने किया किया बेटा धर्मेंद्र प्रधान ने इसका क्या किया उद्घाटन किया है ये भी नोट करेंगे ये तीन पॉइंट यहां से नोट करके रखिएगा ठीक है इसके बारे में क्लियर आगे बढ़ेंगे अगर तो मिशन बात्सल योजना जो है किस मंत्रालय के कि द्वारा शुरू की गई है मिशन बात्सल मिशन बादशल योजना का मतलब क्या है बादशल मतलब होता है बचपन बादशल्य मतलब होता है बचपन बचपन मतलब बचपन में नहीं बादश्य योजना होती है जैसे कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता न, है ना उसको बोलेंगे बादशल्य बोलते हैं बचपन तो हम थोड़े से सेंस में आ जाते हैं जैसे कक्षा एक, एक दो के बाद आ जाएंगे तो हो जाता है वो बचपन हो जाएगा राइट बचपन के दिन हो जाएंगे तो दो तीन चार कक्षा तीन चार के बाद जब कक्षा एक दो में रहेंगे और उसके अलावा के जी पी के जी वाला जो एरिया होता है ना उसको बोलेंगे बादशल्य राइट और जो प्रेम होता है उस एज का उसको बोलते हैं बात्सल्य प्रेम ठीक है तो ये हो, हो जाएगी, जाएगी। बेटा मिनिस्ट्री ऑफ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाएगा वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाएगा ठीक है बच्चा चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हाँ जी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ठीक आगे, आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा देखेंगे किधर केंद्रीय ज्ञाप ने किस राज्य का पहला रेशम या उत्पादन केंद्र स्थापित किया है ठीक है स्थापित किया जाए तो हो जाएगा कौन से सा बेटा उड़ीसा तो रेशम है ना कहा हो रहा है उड़ीसा हो जाएगा उड़ीसा ठीक है बेटा चलिए आगे बढ़ेंगे वेरी गुड अगला बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन से क्या कहता है नोट करेंगे कि सी आनंद बोस का किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है तो सी आनंद बोस हैज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ द स्टेट स्टेट किस किस श्टेट के नए गवर्नर जो है बनाए बनाए गए हैं किस स्टेट के नए गवर्नर बनाए गए हैं सी आनंद तो सी बी आनंद कौन सा बेटा आपका केरला गोवा पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश तो सी आनंद जो है आपकी पूर्व ऑपरेशन भी रह चुका है यहाँ पर और याद देखेगा ये पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल के क्या बनाए गए हैं गवर्नर बनाए गए हैं सी आनंद राइट सी आनंद बोस क्लियर आगे बढ़ेंगे ये गवर्नर बनाए गए हैं सी बी आनंद बोस यहाँ पे पश्चिम बंगाल के क्या बनाए गए हैं गवर्नर बनाए गए हैं ठीक है थीके? बहुत बढ़िया ठीक है देखने में तो बहुत स्ट्रिक्ट आदमी लग रहे हैं देखते क्या करते हैं चल जगदीप धनखड़ नहीं होगा जगदीप धनखड़ कौन लगा रहा है भाई जगदीप धनखड़ नहीं होगा आज ये हो जाएंगे आपके सी आनंद हो जाएंगे ठीक है आगे बढ़ेंगे फिर हमारे जो आपके फोर्टी नाइन्थ जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए हैं फोर्टी नाइन्थ सी कौन बनाया गया है फोर्टी नाइन्थ सी कौन बनाया गया है तो फोर्टी नाइन्थ सी की जो नियुक्ति की गई है वो कौन हो जाएंगे हमारे जरा बताइए फोर्टी नाइन्थ सी जो है हमारे वो कौन हो जाएंगे चलो बताओ जल्दी से फटाफट आंसर देंगे जल्दी से सी हाँ, बी आनंद अरे सी मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश पूरा हिंदी बोलना पड़ेगा क्या मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगा यहाँ पे जरा बताइए उदय उमेश ललित वेरी गुड गुड मॉर्निंग चेतक सिंह जी उदय उमेश देखें फोर्टी नाइन पूछा है इन्होंने तो जल्दबाजी मत कर देना तो ये यू ललित हो जाएंगे ठीक है और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पचास नंबर के जो फिथ सीजीआई हो जाएंगे वो कौन होंगे कौन हो जाएंगे? तब आपका जवाब जो सी जी आई में तब कौन होगा जरा बताइए फिफ्टिय सी जी आई की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे तब आपके हो जाएंगे कौन बेटा जो अभी हाल ही में नियुक्ति जो अभी हुई है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हाँ जी तो हो जाएगा डी वाई चंद्रचूड़ वेरी गुड डी वाई चंदचूड़ हो जाएगा तो वहां हो जाएगा डी वाई चंदचूड़ ठीक है आगे बढ़ेंगे ठीक है अपॉइंटमेंट से कुछ क्वेश्चन हो गए चलो राधा दी प्रशांत भाई प्रशांत भाई राधा दी कहाँ गए भाई राधा दी प्रशांत भाई कहाँ गायब हो गए अच्छा प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में किसको नियुक्ति मिली है प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय और में निदेशक के रूप में किसको नियुक्ति मिली है बच्चों आप सीखे सबको बताया जा रहा है एक बार मुझे अभी क्लियर है अमित तिवारी मौर्य मौर्या काजल यादव अभी क्लियर है सब सब कुछ क्लियर आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन हमारा यह था कि यूरोपियन वर्क काउंसिलिंग की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी हो गई है चलिए यूरोपियन वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी हो गई है द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू द यूरोपियन वर्क काउंसिल विप्रो हिंदुस्तान यूनिलीवर जवाब फटाफट तो आंसर बैठा कौन साइट आंसर सा? सा? क्या हो जाएगा विप्रो इज द विप्रो तो इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू तो से यूरोपियन वर्क काउंसिल ठीक है जवाब जो है वो हो जाएगा क्लियर अब देखो यहां से कुछ और देख लो फिर देखिए नया इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका बिडा सिक्स लॉन्च किसने किया है तो बिडा बिडा करके है बीड़ा, बीड़ा 6 करके है बिडा बिडा करके करके नया स्कूटर जो लॉन्च किया है किसने किया ये किसने लॉन्च किया जरा बताइए नया स्कूटर को लॉन्च किया है कौन सी कंपनी लॉन्च किया है जरा बताइए और इसका नाम हो जाएगा नया इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये ये नया इलेक्ट्रिक स्कूटर है रो मोटोकॉप ने किया गया इसको, इसको लॉन्च किया है ठीक है बात आगे बढ़ेंगे फिर आज से सवाल बनता है आपका यहाँ देखिएगा कि एक प्रोटोटाइप ह्यूमनाइट रोबोट है जिसका नाम है ऑप्टिमस ऑप्टिमस नाम है इसका ऑप्टिमस करके एक प्रोटोटाइप ह्यूमन ह्यूमन रोबोट है किस कंपनी का है ये रोबोट टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए पूछ रहा हूँ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए रोबोट तो है और एक किस कंपनी का तो जाएगी हमारी टेस्ला टेस्ला कंपनी का रोबोट है ये टेस्ला हो जाएगा इसका सही जवाब फिर आगे देखेंगे कि किस भारत किस कंपनी द्वारा भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल जो है वो बनाया जा रहा है जरा बताइए तो पहला लिथियम आयन सेल जरा बताए फटाफट फ़ड़। सुदेश सुदेश निर्मित पहला लिथियम आयन सेल जो बनाया जा रहा है वो कौन सी कंपनी बना रही है उसका नाम हो जाएगा ओला ओला बना रही है यहाँ पे ठीक है ओला इसको नोट करेंगे चलिए आगे बढ़ेंगे फिर आगे आ जाके सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एक सीरम लॉन्च किया गया है सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ एक सीरम लॉन्च किया गया उसका नाम क्या हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही इसको क्या किया है लॉन्च किया है उसको बनाया है अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया उसको ठीक है बात सर्वाइकल कैंसर के लिए टीका बनाया उसका ठीक है हाँ गुड मॉर्निंग श्वेता जी गुड मॉर्निंग कैसे बेटा स्वेता जी चलो फिर एक एक मीडिया कंपनी उस मीडिया कंपनी ने आप देखिएगा क्या किया एस साथी करके लॉन्च किया है एस साथी तो एस साथी जो है इस मीडिया कंपनी ने लॉन्च किया है एस साथी करके किस मीडिया कंपनी ने लॉन्च किया है एस बी एम साथी तो आपका जवाब जाएगा कौन सा बेटा एस बी एम साथी लॉन्च किया है व्हाट्स ऐप ने लॉन्च किया राइट तो व्हाट्सएप कंपनी ने लॉन्च किया है आपका एस बी एम साथी ठीक है चलिए और एस बी एम साथी क्या है कि फेस्टिवल इनिशिएटिव जो है यह देखना इसको प्रमोट करने के लिए है ठीक है बात चलो क्लियर अब बताए यहाँ तक कोई डाउट कोई डाउट यहाँ तक किस तरीके का नहीं आगे बढ़ते चलो अब हमारा क्वेश्चन आता है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है द वर्ल्ड टॉयलेट डे इज सेलिब्रेटेड शौचालय दिवस कब मनाया जाता है 16 नवंबर भी डे बना दिया बताइए सत्रह नवंबर अठारह नवंबर उन्नीस नवंबर किस दिन मनाया जाता है हमारा कौन सा विश्व शौचालय दिवस बताओ पाखी विशाल काजल मीनल श्वेता किस दिन मनाया जाता है उन्नीस नवंबर चलो भाई बच्चे आंसर दे रहे हैं उन्नीस नवंबर

अनाउंस टू मेक रामायण एंड द महाभारत सर्किट हरियाणा केरल महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश हरियाणा केरल महाराष्ट्र या फिर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश तो राज्य ने सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा की हो जाएगा हमारा कौन सा हरियाणा केरल महाराष्ट्र एंड द उत्तर प्रदेश में से कौन सा जवाब इसका सही हो जाएगा बताएं जल्दी से तो यहाँ पे सवाल आपका क्या होगा जरा बताइए तो जाएगा वो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर तो जाएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा यूपी इज द राइट आंसर ठीक है बेटा चलिए हाँ यूपी के अलावा कौन कर सकता है जी सही बात है रामायण महाभारत क्योंकि रामायण के लिए देखा जाए तो आपका अयोध्या भी यही है और अगर महाभारत देखा जाए तो श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो है मथुरा भी यही है यूपी में ही है तो यूपी में ही दोनों बड़े बड़े जो भगवान दोनों भगवानों का जन्म कहाँ पे हुआ है यूपी में हुआ है भगवान बुद्धा यूपी उनका पालना कहा जाता है कि यूपी इज द पालना ऑफ द बुद्धा एंड द जैना तो बुद्ध और जैन का जो पालना यानी कि बचपन जहाँ पे बीता इन धर्मों का वो कौन सा हो जाएगा हमारा वो भी हो जाएगा, ठीक है अयोध्या हो जाएगा क्लियर चलो चलिए आगे बढ़ेंगे हाँ फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा ये और अभी फैजाबाद मंदिर तो देखो बनने वाला है और ये देखिए यहाँ पर क्या है ये आपका जो आपको दिख रहा है आप इस जगह पर राइट जब आप मथुरा जाओगे ना तो मथुरा मन की जो जन्मभूमि है वहाँ पर बगल में ही मस्जिद है राइट तो बगल मस्जिद है वहाँ पर और वहाँ पर भी सेम केस है वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा फोर्स वहाँ पर रहती है मैं बता नहीं सकता आपको वहाँ पर मंदिर में उन लोगों से ज़्यादा मतलब जो आपके लोग घूमने आते हैं जो देखने आते हैं उन लोगों से ज़्यादा तो वहाँ पर पुलिसकर्मी दिखते हैं मंदिर के अंदर पुलिस है मंदिर के गेट पे पुलिस है मंदिर के बाहर पुलिस है पूरे <पुरी> रोड पे पुलिस ही पुलिस है राइट पूरे रोड पे कोई गया मथुरा कोई गया होगा कृष्ण जन्मभूमि तो कृष्ण जन्मभूमि में बहुत ज्यादा पुलिस लगी हुई है क्योंकि रीजन जो है उसका वो यही है ठीक है आगे बढ़ेंगे चलो अच्छा अभी हाल ही में एक हवाई अड्डे का नाम बदलकर बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर करने की मंजूरी दी है तो चिप्पी हवाई अड्डा पड़ता था एक जगह पर चिपी हवाई अड्डा तो चिप्पी हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है बैरिस्टर बैरिस्टर क्या बैरिस्टर नाथ पाई तो बैरिस्टर नाथ पाई नाम बदलकर किस जगह का हवाई अड्डा तो माराश्ट्रा. तो है ये बैरिस्टर नाथ पाई तो जाएगा कौन सा महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र का हवाई अड्डा है ये महाराष्ट्र हो जाएगा ठीक है बात आगे बढ़ते हैं इसके अलावा पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहां पर की गई है भारत की भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है पहली डिजिटल लोक अदालत तो हो जाएगा बैठा राजस्थान राजस्थान हो जाएगा ठीक है बात इसके अलावा अगर आपसे आप पूछा जाए कि चार बागवानी स्टेट स्थापित करने की घोषणा किसने की है जरा बताइए चार बागवानी स्टेट तो पंजाब हो जाएगा चलिए मातृभूमि योजना पोर्टल तो मातृभूमि योजना पोर्टल कैसे लॉन्च किया है तो मातृभूमि योजना पोर्टल मातृभूमि योजना पोर्टल जिसे लॉन्च किया तो क्या हो जाएगा वो जाएगा हमारी यूपी हो जाएगा तो यूपी ने हमारा मातृभूमि योजना पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश हो जाएगा यहां पे आंसर ठीक है बाद आगे बढ़ेंगे फिर हाल ही में जो गिद्ध बचे हुए थोड़े बहुत उन गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्धों के कंजर्वेशन के लिए गिद्धों को बचाने के लिए एक पैनल का कमेटी का गठन किया गया है और वो पैनल कमेटी का गठन हाल ही में किस राज्य ने इनिशिएटिव लिया है कि जो गिद्ध कुछ हैं भी उन गिद्धों के संरक्षण के लिए क्या करेंगे हम पैनल बनाएंगे और वो राज्य कौन सा हो जाएगा जरा बताइए कौन सी गवर्नमेंट हो जाएगी कौन सी राज्य सरकार हो जाएगी यूपी नहीं नहीं आशीष पटेल हमेशा यूपी नहीं होगा एवरी टाइम इज नॉट यूपी इस बार जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा यूपी नहीं होगा तमिलनाडु तमिलनाडु गवर्नमेंट ने देखो यूपी में तो बस गिद्ध आपको कहां देखते हैं एक दो दिग्गे बहुत बड़ी बात होती है तो तमिलनाडु तमिलनाडु में आपका क्या गया इनको बचाने के लिए यह चलाया जा रहा है ठीक है तमिलनाडु इज द राइट आंसर वेरी गुड आ, मीनल चलो तो पाकिखी सर मैंने सही आंसर दिया मीनल एंड द पाकी तो कुछ क्वेश्चन हो गया आगे बताइए फटाफट यहाँ पर कि फॉर्मर इंडियन बास्केटबॉल कैप्टन एंड अर्जुन अवार्ड इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और हमारे फॉर्मर इंडिया बास्केटबॉल कैप्टन भी हैं वो पास्ट मतलब अभी थे मतलब और ये फास्ट पास्ट अबे इन द नवंबर 2022 तो नवंबर 2022 में इनका निधन हो गया है तो हो जाएंगे कौन रवि भारद्वाज विशेष भरघुवंशी या फिर हो जाएंगे आपके कौन से अरविंद अन्ना दुरई या फिर आपके गुलाम अब्बास चलो बताओ जल्दी से फटाफट आंसर देंगे इसका कौन कौन हो जाएंगे चलो थैंक यू सर थैंक यू किस बात के लिए भाई मु, चलो आंसर हो जाएगा इसका बेटा कौन सा ये हो जाएंगे हमारे मुंतर राइट तो गुलाम अब्बास मुंतसिर जो हो जाएंगे इसका सही जवाब हो जाएगा उसको नोट कर लेंगे तो गुलाम अब्बास मुंतसिर इज द राइट आंसर ठीक है बच्चे चलो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ ठीक क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं फिर देखो इनको अर्जुन अवार्ड की बात करेंगे इनको अर्जुन अवार्ड मिला था 1970 में अर्जुन अवार्ड जो मिला था इनको जिसे अर्जुन अवार्ड की बात कर रहे हैं वो मिला था उनको कब 1970 में दिया गया था 1970 में दिया गया था तो मतलब काफी एजेड थे इसका मतलब ये राइट ये काफी एजेड थे ठीक है इसके अलावा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन ऐसा आता है कि नवम्बर दो हजार में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट एन ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में कैसे नियुक्त किया गया है तो वो एज बिन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट एन पी ट्रस्ट नवंबर 2022 नवंबर 2022 जरा बताइए फटाफट चलो एनपीएस तो ये जाएगा बेटा कौन सा आपका सूरज भान साहब हो जाएंगे यहां पर और जो आपका राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट है आपका इसकी शुरुआत की गई थी 2004 के बाद से इसको जोड़ा गया था इसमें

दो इन द न्यू दिल्ली तो भारत और किस देश ने अपनी पांचवी द्विपक्षीय साइबर नीति वार्ता सत्रह नवंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया कनाडा जापान सऊदी अरब या फिर ऑस्ट्रेलिया कनाडा जापान सऊदी अरब और द ऑस्ट्रेलिया चलो बताओ तो क्या आंसर से क्या right क्या हो हो जाएगा जाएगा बेटा बेटा आपका आपका सऊदी अरब ऑस्ट्रेलिया 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 और आंसर आंसर होगा इज इज द द राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली बात तो ये ठीक है बात नोट करेंगे इसको ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया ही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ही इसका क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर है ठीक है बच्चा चलो आगे बढ़ते हैं सर ठीक है अच्छा ऑस्ट्रेलिया की अगर अब इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के थोड़ा स्टेडी भी साथ लेके चलते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर वो कौन हो जाएंगे जरा बताइए तो जाएंगे ये हो जाएंगे पीएम इसके हो जाएंगे और कैपिटल जो हो जाएगी कैनबरा अगर राजधानी की बात करेंगे कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल हो जाएगी इसकी कौन सी बेटा कैनबरा इज द कैपिटल कैनबरा हो जाएगी ठीक है फिर देखते हैं आपके आगे की पॉपुलेशन इसके लगभग लगभग देखा जाए तो ज्यादा नहीं है पता आपको पूरी जो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है वो टू पॉइंट फाइव सेवन करोड़ है ओनली ढाई करोड़ के आसपास हमारे जो क्या बोलते हैं हमारा जो यूपी है इसमें करीब करीब इनके कितने बन जाएंगे आठ ऑस्ट्रेलिया निकलेंगे तो पॉपुलेशन जो है आपकी टू पॉइंट फाइव सेवन करोड़ है ज्यादा जनसंख्या लोग नहीं बढ़ा रहे हैं भारतीय बहुत बढ़ाते हैं भारतीयों की मतलब देखा जाए तो अभी हाल ही में मतलब जब देश आजाद हुआ था तो कितनी जनसंख्या थी पचास लाख के अराउंड कुछ थी ऐसी जनसंख्या थी अभी देख लो कितनी हो गई है एक करोड़ बीस लाख तो दो हजार ग्यारह में थी अभी कुछ नहीं तो बहुत एक एक मतलब एक तीस और एक सौ तीसौतीस को क्रॉस कर चुका होगा इंडिया आई होप मुझे ऐसा लगता है ठीक है आगे बढ़ेंगे रसायन और पेट्रोकेमिकल सचिव अरुण बरोखा ने सत्रह नवंबर दो हजार बाईस को किस में, में भारतीय रासायनिक परिषद सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया तो आप यहाँ देखेंगे बेटा चलो केमिकल्स एंड द पेट्रोकेमिकल सेक्रेटरी अरुण बरोका इनोग्रेटेड द फोर्थ एडिशन ऑफ द इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव इन दिच ऑन द सेवेंटी नवंबर 2022 अहमदाबाद जयपुर नई दिल्ली और चंडीगढ़ चलो तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा ठीक है नई दिल्ली इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड आगे देखते हैं following new chairman the oil and the gas producer ONGC तो यहाँ पर ONGC का नया अध्यक्ष होगा कौन अनु मनीष शर्मा अरुण कुमार सिंह या फिर रणधीर सिंह से कौन होगा ओ एनजीसी का नया अध्यक्ष बताइए फटाफट एनी वन चलो से चलो बात करते हैं अगर ओ एनजीसी की अगर बात करें हम लोग तो ओ एनजीसी के जो भी अरुण कुमार सिंह जो है ये बी के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं ये बी के चेयरमैन थे इससे पहले तो बी के चेयरमैन थे इससे पहले और इन्होंने इनों को ही अभी क्या बनाया जा रहा है अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो ये आपका आंसर हो जाएगा अरुण कुमार सिंह अगर यहीं पर मैं ओ की बात करूंगा तो इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपका जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसकी स्थापना हुई थी उन्नीस में 1956 में इसकी क्या की गई थी स्थापना की गई थी ठीक है बात आगे बढ़ेंगे अगर इसके हेडक्वाटर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर कहाँ पड़ेगा तो हेडक्वार्टर इसका पड़ेगा न्यू दिल्ली में तो नई दिल्ली में क्या है इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली ठीक है बात आगे बढ़ते हैं चलो भाई हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है फिर क्वेश्चन यहाँ से आएगा देखो कि आईएनएस त्रिकांड पार्टिसिपेटेड इन द कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस लेड ऑपरेशन विच वॉज हेल्ड फ्रॉम नवंबर सिक्स फोर्टीन दो इन द नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी आई एन ने संयुक्त तो समुद्री बलों के नेतृत्व में ऑपरेशन किस में भाग लिया जो छह से चौदह नवंबर दो हजार बाईस को उत्तर पश्चिमी अरब सागर में आयोजित किया गया था अजय वॉरियर हिंद शक्ति वन सी स्वाट टू या ओशियन करंट चलिए भाई क्या हो जाएगा सी सी आंसर दिया सी टू। बढ़िया आगे बढ़ेंगे आंसर हो जाएगा कौन सा बेटा सी स्वाट टू हो जाएगा राइट चलिए सी स्वाट टू इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया और यहां पर नोट करेंगे अरब सागर में भाग लिया आयोजित किया गया था अभी मालाबार 2022 जो है आपकी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है ये कहाँ पर हुई थी जरा बताइए मालाबार 2022 मालाबार 2022 किस जगह पर आयोजित की गई थी हाल ही में हाल ही में भी और ये मल्टीनेशनल है मतलब कई सारे देश इसमें आकर मिलते हैं सिर्फ सिर्फ बाई और ट्राई नहीं है मल्टी है मालाबार और किस जगह पर होती है मालाबार एक्सरसाइज जरा बताएं किस कंट्री में किस जगह पर शीशो टू तो ठीक है जापान वेरी गुड खाजर तो इसका आंसर हो जाएगा जापान दो हजार ईयर तो कैम्ब्रिज डिक्सरी ने किस शब्द को दो हजार बाईस वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है वैक्सीन, होमर, या फिर हो जाएगा परा मै क्राइसिस परा मै क्राइसिस तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ अभी भी थोड़ी देर पहले हाँ ये तो थोड़ी देर पहले बताया ही बताया मैंने चलो नहीं एकदम ये तो बता चुका हूं मैं तुम लोगों को ये तो बता चुका हूं चलो होमद क्राइसिस बेटा कोमर हो जाएगा जस्ट अभी जैसे पहले बताया था ठीक है आगे बढ़ते हैं कोमोरस संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में इंडिया टू दूनियन ऑफ द कोमोरस तो अब हो जाएगा बेटा राकेश सिंह भंडारू बिल्सन बाबू राजीव रंजन या फिर जनार्दन साहू चलो बता से बेटा फटाफट कौन सा हो जाएगा चलो आगे बढ़ेंगे ये कॉलिंस डिक्शनरी ऑफ द ईयर है वो आपका पर। ये ये पता थोड़ी पर मार्क थोड़े दिन पहला ये आपका ये कॉलिंस डिक्शनरी है ये डिक्शनरी जो कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा किया गया था मैंने क्या बताया आप लोगों को ये अलग अलग डिक्शनरी जो है अलग अलग वर्ड निकालती हैं है तो ये कॉलिंस का है ये कैम्ब्रिज का है ये कैम्ब्रिज का है अगले अभी थोड़े दिनों के बाद ऑक्सफोर्ड का अलग आएगा ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर अलग निकालते हैं लोग इनकी डिक्शनरी भी है इनकी डिक्शनरी भी है इनकी डिक्शनरी भी है ये अलग निकालेंगे कॉक्सफोर्ड वाले तो वो आपको अलग याद करना पड़ेगा तीन तीन नाम हो जाएंगे समझे नहीं समझे फर्मा कैसे स्कोलिस् का है वेरी गुड मिहिर राउत बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे फिर यहां से आता है कि कॉमरस संघ में भारत के अगले राजदूत के रूप में जिसे नियुक्त किया जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे कौन आपके भंडारू विल्सन बाबू तो कौन हो जाए भंडारू बिल्सन बाबू हो जाएंगे ठीक है बात भंडारू बिल्सन बाबू हो जाएंगे हाँ जी भंडारू बिल्सिम बाबू इज द राइट आंसर ठीक है आगे बढ़ेंगे चलो यही होगा भंडारू बिल्सिम बाबू इसका आंसर होगा चलो आगे बढ़ेंगे फिर बढ़ते हैं बेटा कि दो हजार चौबीस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभंकर के रूप में फ्रीजियन कैप का अनावरण किया गया है दो हजार चौबीस ओलंपिक और पैर ओलंपिक कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे तो फ्रीजियन कैप हैज बीन अनबिल्ड एज द मैस्कोड फॉर द टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ओलंपिक और एंड पैरालंपिक द टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ओलंपिक एंड द पैर ओलंपिक बिल भी आगे हैं। फिर विच आ एक सौ पचास मिलियन यूरो बारह सो चालीस करोड़ लोन एग्रीमेंट विद द जर्मन डेवलपमेंट बैंक के एफ डब्ल्यू फॉर द फंडिंग सोलर प्रोजेक्ट तो किस बैंक ने सौर परियोजनाओं के

और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस हर साल कब मनाया जाता है सत्रह नंबर अठारह नवंबर उन्नीस नवंबर या फिर बीस नवंबर सत्रह अठारह उन्नीस या बीस तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका अठारह नंबर इज द राइट आंसर ठीक है अठारह नंबर इज द करेक्ट आंसर ठीक आगे बढ़ते हैं फिर आंसर आता है कि आपको देखो एक स्टेटमेंट दे रखी है आपको पहला स्टेटमेंट है ये दूसरा है और ये के तीसरा है ना आप एंड द एक्सचेंज बिटवीन द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली इंडिया एंड द म्यूजियम कोल्डिंग इन द न्यू दिल्ली इन द सत्रह नंबर दो हजार मार्च दो हजार तेईस बोथ विल ओपन द ज्वाइंट एक्सिबिशन सिल्वर ट्रेजर फ्रॉम द डेनमार्क एंड इंडिया इन द न्यू दिल्ली ठीक है तीसरा द देशन इज अंडर द रिसेंटली एग्रीड एग्रीकल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड द फिनलैंड फॉर दर दो हज़ार बाईस टू दो हजार छब्बीस चलो भाई हाँ रीड कर रहा हूँ बेटा रीड कर रहा हूँ मैं डोंट वरी परेशान न ये रीड मत रीड कर रहा हूँ परेशान न हुआ आकर रीड कर रहा हूँ चलो बताओ जल्दी से ओके okay. मेरे स्टेटमेंट थे दे दिया आंसर ओहो हो चलो देखो पहली बात तो देखो यार जो एमओयू साइन हुआ ये बात तो ठीक हो जाएगी एमओयू साइन हुआ इनके बीच में समझौता ज्ञापन <coughs> हस्ताक्षर किए गए हैं ठीक है बाद सत्रह नवंबर दो हज़ार बाईस को और द बिगनिंग ऑफ द मार्च दो हज़ार तेईस बोध बिल ओपन द ज्वाइंट एक्जिबिशन ये भी सही हो जाएगा द कोलाबेशन इज़ अंडर द रिसेंटली एग्रीड कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड द फिनलैंड फॉर दूर्यर्स दो हज़ार बाईस टू दो हज़ार छब्बीस ठीक है तो या देखिएगा कि ये आप क्या देखिए ये फिनलैंड नहीं होगा यहाँ पर ये जो आपका प्रोग्राम तो उन्होंने सही बोला हुआ है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चलिए ये भी डेनमार्क ठीक हो जाएगा और इसके अलावा फिनलैंड फॉर द ईर्स दो हजार बाईस और छब्बीस तीसरा वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है बात चलो तो इंडिया फिनलैंड क्यों होगा जब आपका ये डेनमार्क यहाँ पे है इस जगह पे तो ये इन्होंने फिनलैंड कहाँ कर दिया कहाँ कर दिया ये ये फिनलैंड कर दिया ना ये गलत हो गया तो ये गलत हो जाएगा तो आंसर बोथ बन एंड टू इज द राइट आंसर सिर्फ पहला दूसरा क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे ठीक है बेटा हाँ ना बोथ बन एंड टू इज द राइट आगे बढ़ते हैं फिर इन विच सिटी वॉज द एथ नॉर्वे इंडिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मरीटाइम मीटिंग हेल्ड इन दत्रह नवंबर दो हजार बाईस सत्रह नवंबर दो हजार बाईस को किस शहर में आठवीं नॉर्वे भारत समुद्री संयुक्त समूह की बैठक का आयोजन हुआ है मुंबई न्यू दिल्ली चेन्नई पुणे मुंबई न्यू दिल्ली चेन्नई और पुणे आंसर क्या होगा इसका बेटा आंसर होगा यहां पे बेटा मुंबई मुंबई इज द राइट आंसर ठीक है तो इस में आपका आठवीं समुद्री संयुक्त कार्य समूह की बैठक की आयोजन हुआ है हो जाएगा कौन सा मुंबई राइट आंसर ठीक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द फैमिली प्लानिंग कौन सा देश परिवार नियोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कंट्री कैटेगरी में लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग एक्सेल अवार्ड 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश जो है वो बन गया है तो जापान यूएसए रसिया या फिर भारत जापान यूएसए रसिया फिर भारत यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कॉन्फ्रेंस द तो फैमिली प्लानिंग इंटरनेशनल हो जाएगा हमारा कौन सा इंडिया इंडिया को बहुत जरूरत है इस करने की वरना इंडिया में रिसोर्सेज की कमी बढ़ जाए कमी पड़ जाएगी तो जो रिसोर्सेज आपके इंडिया में कमी पड़ रही है वो कमी पड़ जाएगी जॉब्स की कमी पड़ेगी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा पॉल्यूशन बढ़ेगा इसके अलावा आपका हाइज जो आपका जो गंदगी होती है आसपास वो बढ़ेगी क्यों क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगी तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा जरूरी भी है ठीक हर स्टेट को करना चाहिए हर केंद्र को करना चाहिए एक रूल बना देना चाहिए क्योंकि लोग देखा मैंने कहीं अलग अलग कम्युनिटीज़ में अलग अलग कास्ट्स में अलग अलग रिलीजन में हर जगह पे है पांच छह बच्चे किए जा रहे किए जा रहे हैं चार बच्चे किए जा रहे हैं तो कहीं तो टारगेट ही होता है कि पांच छह बच्चे करने ही करने हैं राइट तो ऐसा होता है और कभी भी देखो सिंपल सी बात यह कि दो बस दो या एक इससे ज़्यादा नहीं राइट अभी की कंडीशन के अनुसार ठीक है आगे बढ़ते हैं

भागवत कराड ठीक ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे और भारतीय सेना ने अठारह नवंबर दो को इंजीनियरिंग कोर की कौन सी बसगांठ बनाई है तो इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड एनिवर्सरी ऑफ ऑफ द द इंजीनियर्स डे अठारह नवंबर दो तो इधर आंसर होना है क्या दो सौ बयालीस यानी कि टू फोर्टी टू इज द राइट आंसर दो सौ बयालीस क्लियर आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे देख लीजिएगा आप लोग और ये आपका आ, टेस्ट बुक जो पीडीएफ मेरे क्लास की है जो लिंक है आपको कहाँ मिल जाएगा वो यहाँ मिल जाएगा उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इसी के साथ, साथ में का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप सीधे आप यहाँ पर जा सकते हो कहाँ पर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हैं यहाँ पर और ये आपका यूट्यूब का टेलीग्राम ग्रुप ठीक है जाके यहाँ पे सीधे ज्वाइन कर लो चलो आगे बढ़ेंगे स्विगे भी जाइए जहां पे क्लास चल रही होगी आपकी वहां पे क्लिक करिए क्लिक करने के बाद आएंगे चलो और यहाँ पे देखोगे इधर ये आपका ज्वाइन करने के लिए लगा हुआ है यहाँ पर इसको क्लिक कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा क्लियर इसके अलावा देखो यार होता गया है फिर आपको इधर क्लिक करो तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप इस पर पहुंच जाओगे पेज पर फिर यहाँ से आपको जिस भी कैटेगरी में जाना है वहां आप जा सकते हो ठीक है जैसे यूपी गवर्नमेंट जॉब है वहाँ चले जाओगे फिर इसको क्लिक किया आपने सपोज दैट या डिफेंस करना है या एस एस सी करना जो भी करना है आप कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको सारे रेट दिख जाएंगे फिर आप मेरा आप कोड लगा सकते हो यहाँ पर जो कि ए है बहुत ही सिंपल कोड है ए लगाना है आप लोगों को ए पी एस अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने में देखिए पूरा पूरा आधा हो जाएगा राइट ये कम हो जाएगा ठीक है क्लियर चलो फिर बाबा मिलते हैं हम लोग शाम को पाँच बजे क्लास है आपकी जी के जी एस की अलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम में तो मिलते हैं हम लोग तब तक के लिए गुड बाय टाटा टेक केयर बाय बाय